नमस्कार दोस्तों, कई व्यूवर्स ने पूछा है कि चालू प्लांट में कंप्रेसर अपने आप अनलोड हो जाता है, यानी लोड छोड़ देता है, जिस कारण से बहुत सारे दिक्कत आते हैं। तो कंप्रेसर अपने आप लोड क्यों छोड़ देता है, अनलोड क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण है, इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, कंप्रेसर के चालू हालात में अनलोड होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें से मैं मुख्य रूप से 7 जो रीजन होते हैं वो मैं बताऊंगा, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और उसे खुद ठीक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण हो सकता है कि कंप्रेसर का ऑयल प्रेशर लो हो जाना। कंप्रेसर का ऑयल प्रेशर अगर लो हो जाए तो कंप्रेसर अपने आप अनलोड हो जाता है, यानी लोड छोड़ देता है। तो अगर आपको लगे कि ऑयल प्रेशर कम है, यानी सक्शन प्रेशर और ऑयल प्रेशर के बीच में डिफरेंस काफ़ी कम हो गया है, तो इसके कारण भी कंप्रेसर अनलोड हो जाता है। दूसरा कारण दोस्तों, क्रैंक केस में लिक्विड का आना। दोस्तों, अगर कंप्रेसर के बॉडी में अगर लिक्विड आ जाए तो कंप्रेसर का ऑयल प्रेशर डाउन होने लगता है और कंप्रेसर अनलोड हो जाता है। आपने कई बार देखा भी होगा कि कंप्रेसर में लिक्विड आता है तो ऑयल प्रेशर जो है ये डाउन होने लगता है। तो कंप्रेसर में अगर लिक्विड आ जाए तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप कंप्रेसर में लिक्विड को न आने दें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि CCSV जो वाल्व होता है उसका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होना, यानी उसमें जो करंट आता है, विद्युत आता है, उसमें कोई फॉल्ट होता है, जिसके कारण से कंप्रेसर अपने आप अनलोड हो जाता है। तो इसको चेक कर लें दोस्तों कि जो प्रेशर डिफरेंशियल बोर्ड होता है उस बोर्ड में CCSV का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किया होता है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कहीं उधर फॉल्ट तो नहीं, जिसके कारण से कंप्रेसर अनलोड हो जाता है। चौथा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि VLD में कोई खराबी आना। जो VLD होता है उसमें कोई खराबी आ जाए तो कंप्रेसर अनलोड हो जाता है। उसमें कई प्रकार के चीज होते हैं दोस्तों। VLD को कैसे ठीक करना है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और कंप्रेसर रिपेयरिंग सेक्शन में जाकर आप उसे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसे आप ठीक कर लें तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। पांचवा दोस्तों कारण ये हो सकता है कि ऑयल पंप की वर्किंग कैपेसिटी डाउन होना। जो कंप्रेसर का ऑयल पंप होता है उसका वर्किंग इफिशेंसी कम हो जाना या डाउन होने के कारण भी ऑयल प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण से कंप्रेसर लोड छोड़ देता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप कंप्रेसर का जो पंप होता है उसका काम जरूर करवाएं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। छठा कारण दोस्तों ये हो सकता है कि कंप्रेसर ज़्यादा हीट हो रहा है। अगर कंप्रेसर ज़्यादा हीट हो रहा है तो उसका जो ऑयल है गर्म हो जाता है, जिसके कारण से कंप्रेसर का ऑयल पतला हो जाता है और ऑयल प्रेशर डाउन हो जाता है। इसके कारण भी कभी कभी कंप्रेसर अपने आप अनलोड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप कंप्रेसर का काम करवाएं, ताकि कंप्रेसर ज़्यादा हीट ना हो, कंप्रेसर का जो तापमान है ये नॉर्मल चले। सातवां कारण दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब भी आप कंप्रेसर ऑयल का चुनाव करते हैं तो सही क्वालिटी का आप कंप्रेसर ऑयल लाएं, जो कंप्रेसर के लिए रिकमेंड किया गया है उसके अनुसार कंप्रेसर ऑयल खरीदें। अगर रेफ्रिजरेशन ऑयल का खराब क्वालिटी होगा तो वो जल्दी चिकनाई खो देता है और वो पतला हो जाता है, बिल्कुल ही पतला हो जाता है, और कंप्रेसर जब गर्म होता है तो वो और ही पतला हो जाता है, जिसके कारण से कंप्रेसर में ये प्रॉब्लम आता है, साथ में कंप्रेसर खराब भी जल्दी हो जाता है। तो इसका दोस्तों यही उपाय है कि आप जो कंप्रेसर के लिए रिकमेंड किया गया है रेफ्रिजरेशन ऑयल, उसी को आप परचेज करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों और कई कारण है, छोटे मोटे कारण होते हैं जिस कारण से कंप्रेसर अनलोड हो जाता है, तो उसका भी मैं मेंशन करूंगा अगले वीडियो में, किसी वीडियो में बताऊंगा। तो कई वीडियो में मैंने बताया भी है तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपने जान लिया होगा कि कंप्रेसर अपने आप अनलोड क्यों हो जाता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक
और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने का एक भी पैसा नहीं लगता है और ना ही जो लाइक करता है उसका हमारे पास कोई डाटा होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप निफिक्र होकर वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, जो भी सवाल पूछना है कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।